देख सकते हैं यहाँ पे काफी खूबसूरत नजारा है अभी। और हम लोग को अभी और आगे ऊपर जाना है, अभी लगभग काफी ऊपर चढ़ चुके हैं दोस्तों। और देख सकते हैं यहाँ से आप लोग को गेट मिल जाएगा दोस्तों अंदर जाने का। यहाँ पे कुछ इस प्रकार का गेट है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ यहाँ का मांझिनगढ़ का पहाड़ी। तो दोस्तों यहाँ आने के लिए आप लोग को सबसे पहले जाना पड़ेगा आपको रिटर्न वीडियो में, शुरू से स्टार्ट करते हैं दोस्तों और आप लोग को यहाँ का पूरा व्यू दिखाता हूँ उसके बाद। तो चलिए गाइस मिलते हैं आगे वीडियो। दोस्तों कोंडागांव जिले के बड़े राजपुर ब्लॉक में खल्लारी गाँव से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी में मांझिनगढ़ का पहाड़ी है। दोस्तों इस पहाड़ी में आप लोग को गुफा और झरने भी देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ तक पहुँचने के लिए आप लोग को सबसे पहले कोंडागांव जिले के केसकाल में पहुँचना होगा और केसकाल से विश्रामपुरी तक पहुँचना होगा। दोस्तों विश्रामपुरी से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी में खल्लारी गांव है दोस्तों। और दोस्तों हम लोग खल्लारी ग्राम में पहुँच चुके हैं और यहाँ से हम लोग सीधा जाएंगे दोस्तों इस रास्ते से। दोस्तों यहाँ मांझिनगढ़ खल्लारी से आप लोग को यहाँ छोटा रास्ता लेना पड़ेगा आगे चौक से, मैं आप लोग को दिखा दूँगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं कच्ची रास्ता। और आज बारिश हो चुकी है दोस्तों, तो यहाँ पे थोड़ा मौसम खराब है आज। और आगे आप लोग को थोड़ा सा खूबसूरत हिल अभी थोड़ा थोड़ा नजर में आ रहा होगा दोस्तों, आगे में जो हिल है देख सकते हैं। इस तरीके से आपको छोटा रास्ता लेना पड़ेगा यहाँ से। पूरा कच्ची रोड है दोस्तों, देख सकते हैं ये। और इधर एक गली गई है, लेकिन इस रास्ते में नहीं जाना है, हम लोग को सीधा जाना है। और यहाँ से थोड़ा बहुत खेत भी मिलेगा आप लोग को। और आगे आप लोग को खूबसूरत व्यू देख सकते हैं दोस्तों, आगे आप लोग को दिखाने वाला हूँ दोस्तों। यहाँ पे पत्थर निकालने का काम हो रहा है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे। इधर पूरा रोड में काम चल रहा है, शायद ऊपर में पहाड़ी जाने का पूरा रास्ता बन रहा है दोस्तों। यहाँ से लगभग पत्थर वत्थर निकल रहा है, तो अभी रास्ता बन रहा है, आगे शायद फ्यूचर में रास्ता बन सकता है। और अभी पूरे यहाँ पे मिट्टी डला है, तो पूरा कच्ची रोड है दोस्तों, देख सकते हैं पूरा कच्ची रोड है। और हमारे सामने एक टिपर है जो कि पूरा गिट्टी लोड करके जा रहा है आगे। यहाँ से अभी आप लोग को थोड़ा सा आगे का व्यू दिख रहा होगा, आगे हम लोग वहीं पे जाने वाले हैं दोस्तों। ऊपर में पहाड़ी और आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा दोस्तों, आगे वीडियो में बने रहिए। दोस्तों वहां से आगे आके देख सकते हैं, थोड़ी दूर आने के बाद में यहाँ पे माइंस की कुछ मशीनें लगी हुई हैं दोस्तों। यहाँ पे कुछ काम चल रहा है, शायद रोड बनने का है दोस्तों, इसीलिए यहाँ पे कुछ मशीनें भी लगी हुई हैं। आगे देख सकते हैं दोस्तों, अभी आगे हम उस पहाड़ी में चढ़ने वाले हैं दोस्तों। आगे एक रास्ता इधर भी गया है दोस्तों, रोड बनने के लिए है, लेकिन हम लोग इधर नहीं जाना है, इस रास्ते में जाना है दोस्तों, इस रास्ते। और देख सकते हैं इसमें अभी यहाँ से दोस्तों थोड़ा रोड ठीक है, यहाँ पे सीमेंट वाला रोड बन चुका है, सीमेंट वाला रोड है। और अभी हम लोग पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं, इस प्रकार से आ रहे हैं। यहाँ पे डायरेक्शन भी दिया हुआ है दोस्तों, सावधानी से चढ़े और काफी ऊपर तक जाना है दोस्तों। और देख सकते हैं आगे एक गाड़ी भी चढ़ रही है, देख सकते हैं काफी ढलान है दोस्तों, देख सकते हैं काफी ढलान है। और इधर से अभी पूरा रोड अभी पहाड़ी चढ़ रहे हैं दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे काफी खूबसूरत नजारा है अभी। और हम लोग को अभी और आगे ऊपर जाना है, अभी लगभग काफी ऊपर चढ़ चुके हैं दोस्तों। और देख सकते हैं यहाँ से आप लोग को गेट मिल जाएगा दोस्तों अंदर जाने का। यहाँ पे कुछ इस प्रकार का गेट है, देख सकते हैं। इधर एक काउंटर बना हुआ है दोस्तों यहाँ पे टिकट का, लेकिन अभी कोई है नहीं यहाँ पे। यहाँ से अभी आगे शायद बड़ी गाड़ी नहीं जा सकती है दोस्तों, इसीलिए रुका हुआ है यहाँ पे, बड़ी गाड़ी फंस रही है, रोड भी खराब है यहाँ का। अभी हम लोग को बाइक है दोस्तों, तो बाइक से धीरे धीरे जाएंगे। यहाँ से कुछ इस प्रकार का कच्चा रास्ता मिलेगा ऊपर में, बाद में पहाड़ी चढ़ने के बाद के आगे में पूरा कच्चा रास्ता मिलेगा आप लोग को। पूरा झरना और पहाड़ी जहाँ तक जाएंगे दोस्तों, वहाँ तक पूरा आपको ऐसी कच्चा रास्ता मिलेगा दोस्तों। अभी बारिश का मौसम है और बारिश हुआ है, इसीलिए यहाँ का रास्ता पूरा ख़राब हो चुका है। बारिश ख़त्म हो जाती है तो दोस्तों उसके बाद यहाँ का मौसम ठीक रहेगा और रास्ता ठीक हो सकता है। और दोस्तों यहाँ से गुफा और हिल तक जाने के लिए आप लोग को पूरा रास्ता ऐसे कच्चा रास्ता मिलेगा और पूरे चारों साइड जंगल मिलेगा दोस्तों। बहुत घना जंगल है यहाँ पे, देख सकते हैं इधर भी पूरा चारों साइड जंगल ही दिख रहा है और हरियाली बहुत है दोस्तों यहाँ पे। पहाड़ी के ऊपर ऊपर चल रहे हैं गाइस, अभी 2-3 किलोमीटर से ज्यादा ही आ चुके हैं, 5 किलोमीटर लगभग आ चुके हैं, लेकिन हम लोग को अभी अच्छा से सही रास्ता नहीं मिला है ना पहाड़ी। गाइस यहाँ का खूबसूरत देख सकते हैं, पहाड़ी के ऊपर में खूबसूरत जगह, यहाँ पे काफी खूबसूरत जगह है दोस्तों। गाइस देख सकते हैं अभी लगभग हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ का खूबसूरत सीन में, और आप लोग को दिखाने वाला था दोस्तों जहाँ पे अभी हम लोग आए हैं। यहाँ अभी पूरा आप लोग यहाँ व्यू नज़ारा दिखाने वाला हूँ यहाँ का खूबसूरती दोस्तों। इसको दोस्तों बोलते हैं मांझिनगढ़ का पहाड़ी। और देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार का बैठने के लिए भी बनाया गया है। दोस्तों हम लोग अभी पहुंच चुके हैं इसके फाइनल लोकेशन पर। दोस्तों आप लोग को यहां से जहां तक नज़र जा रही है वहां तक चारों साइड हरियाली ही हरियाली दिखेगी। दोस्तों काफ़ी घना जंगल है यहां पे, और यहां से देखेंगे तो बहुत ही प्राकृतिक का बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिलेगा दोस्तों। और इसके नीचे में लगभग सैकड़ों फीट की खाई होगी दोस्तों यहाँ से नीचे। दोस्तों अपने क्षेत्र में मांझिनगढ़ का पहाड़ी काफ़ी ट्रेंड में है, इसीलिए एक बार यहाँ आना तो बनता है दोस्तों। गाइस इस पहाड़ी में आप लोग को कैंपिंग करने के लिए या फिर पिकनिक बनाने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। यहाँ पे काफ़ी शांत माहौल मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे आके आप फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ आराम से यहाँ पे पिकनिक या पार्टी कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों ये जगह बस्तर के सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। मांझिनगढ़ का पहाड़ी काफ़ी फेमस एरिया है दोस्तों यहाँ पे, और काफ़ी सारी इधर पहाड़ी मिलेगा दोस्तों, लेकिन वहाँ तक जाने का रास्ता नहीं है, इसीलिए वहाँ तक नहीं जा सकते। तो दोस्तों आप लोगों को मांझिनगढ़ का पहाड़ी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों मिलते हैं ऐसी ही एक सुंदर सा नए ब्लॉग और नए जगह में। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।